दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका करियर प्लस चैनल। यहाँ पर जो भी अपडेट मैं आपको थंबनेल में दिखा रहा हूँ, बारी बारी से आपको जो वीडियो में दिखाने वाला हूँ, अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो फिर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, सब्सक्राइब तभी करना जब आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है। और यहाँ पर जो इस तरीके से बारी बारी अपडेट आपको मैं दिखा रहा हूँ, और इस समय आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है। भारतीय डाक विभाग की तरफ से जो है ये भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, ये और ये वैकेंसी बिल्कुल लेटेस्ट है, ये 8 नवंबर 2023, ठीक है। मतलब कि आज 9 तारीख है ये, तो 8 तारीख कल का ही है आपका जो है रिक्वायरमेंट आ चुका है कल जी। और यहाँ पे आपने देखा रिक्वायरमेंट, इसके अंतर्गत जो है ये आपने देखा हो यहाँ पर जो है ये कौन कौन से पदों पर है, ये यहाँ पे आपने देखा पोस्टमैन है, मेल गार्ड है, ये मल्टी टास्किंग स्टाफ है, ये ग्रुप डी की नौकरी भी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये आ चुका है ये। और कल का नोटिस, क्या मतलब कि कल इसका जो है आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, रिक्वायरमेंट यहाँ पर जो है ये आ चुका है। वहीं पर बात करेंगे, यहाँ पर आइए कि स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट यहाँ पे हो चुकी है, यहाँ पे 10 नवंबर से स्टार्ट आई है और 9 दिसंबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है। यहाँ पे आप ये जो है फॉर्म वो जो है भर सकते हैं, और कौन कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। पोस्टमैन हो गया, मेल गार्ड हो गया, मल्टी टास्क स्टाफ हो गया, यहाँ पर जो ये इसमें जो है ग्रुप सी के पदों पर भर्ती विज्ञापन आ चुका है यहाँ पर, ये बारी बारी से आप ये जो है ये सब देख सकते हैं यहाँ पर जो है। बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए आपको जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला फॉर्म है, और हाउ टू अप्लाई कैसे करना है आपको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये वाला फॉर्म जो आप ये जो है भर सकते हैं। और यदि आप ये वाला फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं तो आप ये होम गार्ड भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर जो ये, और होम गार्ड के पदों पर 114 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। 18 से लेकर जो है 50 साल तक एज लिमिट है। इसमें 50 साल कैसे है कि आपको पता है, अगर 18 से 40 साल लगाएंगे तो इसमें जो एसटी वालों को जो है एससी एसटी वालों को जो 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है। और जो है आपने देखा जो ये जो वो रहते हैं, क्या मतलब कि फौजी वगैरह रहते हैं है ना, स्पोर्ट्समैन है ना, तो फौजी वगैरह रहते हैं तो उनका कोटा रहता है, ठीक है, सैनिकों का कोटा रहता है। तो यहाँ पर जो है ये 50 साल तक उनकी एज लिमिट यहाँ पर बताई गई है। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, आपको पता होमगार्ड की भर्ती के लिए क्या है, केवल 10th क्लास पास में जो है तो इसमें क्वालिफिकेशन आपके 10th क्लास पास में मांगा गया है, ठीक है। अगर आपको किसी भी राज्य से भर्ती आए तो आप तुरंत भर दीजिएगा, है ना, तो यहाँ पर ये गुजरात का नाम सुना होगा, गुजरात गांधीनगर, वहाँ से भर्ती आपके होमगार्ड की आ चुकी है। और साथ में जो बिहार शिक्षक भर्ती जो है वहाँ पर भर्ती आ चुकी है, इसमें आवेदन शुरू हो चुका है। यहाँ पर अंतिम तिथि आपको 11 नवंबर 2023 यहाँ पर देख सकते हैं ये। और तो और दिल्ली में जो है 18 तक स्कूल बंद कर दिए गए, दूसरे राज्यों की ऐप जो है आधारित टैक्स पर भी जो है पाबंदी लगा दी गई है। तो यहाँ पे जो 18 तारीख तक जो है ये 18 नवंबर तक स्कूल सारे बंद करने का आदेश जो है दे दिए गए पॉल्यूशन की वजह से, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट क्लर्क है, ठीक है, क्लर्क भर्ती का विज्ञापन है इसमें जो आ चुका है। हाईकोर्ट का नाम सुने होंगे, हाईकोर्ट में क्लर्क भर्ती इसमें जो आ चुकी है ये, पर ये भर्ती का फॉर्म आप भरेंगे ना, क्योंकि ये जो है आपको हाईकोर्ट पंजाब की तरफ से भर्ती जो है वो निकालेगी चंडीगढ़ की तरफ से। वहीं पर जो है आपने देखा डीओई के अंतर्गत जो है भर्ती विज्ञापन आया था यहाँ पर जो आप ये देखते हैं, इसमें जो 8 नवंबर जो है इसकी कल की डेट का है ये ट्रांसफर कर यहाँ पर आ चुका है ये ऑर्डर। और तो और इसमें आईटीबीपी के अंतर्गत असिस्टेंट कमिश्नर के तो यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट के आईटीबीपी के अंतर्गत भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है बॉर्डर पर। अगर आपने यार फॉर्म नहीं भरा है भर दीजिएगा, आपके लिए अच्छी खुशखबरी यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है आपको जो ये वो सीटों की संख्या यहाँ पे दिखा रही है। वहीं पर एज लिमिट की बात करेंगे, 18 से 30 वर्ष इसमें जो एज लिमिट बताई गई है। अब आप कहेंगे इसके अंदर फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म भरने के लिए आपको जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये वाला फॉर्म जो आप ये भर सकते हैं। बात करेंगे इसमें जो पुरानी क्लर्क भर्ती, आज इसकी डेट लगा दी गई है और 2 बजे के बाद इसमें जो है आपका जो है कोर्ट केस स्टार्ट हो जाएगा। कहने मतलब क्या, इसमें सुनवाई चल रही है, शाम के 4 बजे तक आपको अपडेट मिल जाएगी इसमें, ठीक है, जो भी इसमें बताया जाएगा आयोग के द्वारा जो है कोर्ट के द्वारा जो अपडेट मिलेगी सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी, क्योंकि सरकार चाह रही है कि हम जो है पैट के आधार पर भर्ती करें, और जो है स्कूल वाले चाह रहे हैं हम जो है बिना पैट के द्वारा मतलब क्या ट्रिपल सी के द्वारा ओनली भर्ती करें, इसी के लिए कोर्ट में भर्ती गई है, कुछ लड़कों ने लगा रखी है। और क्या अपडेट मिलेगी आपको मैं बता दूंगा इस चैनल के माध्यम से, 4 बजे तक अपडेट इसमें जो है एडिट कॉलेज के अंतर्गत भर्ती आ जाएगी। आने के लिए अपडेट में आपको बता रहा हूँ, पल पल के इन्फॉर्मेशन के लिए शाम का वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो बहुत से बच्चे परेशान है कि सर हम जो है चपरासी भर्ती में ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम मेरा डाउट है
कि सेवा ने कार्यालय के पोर्टल पर जो भर्तियां हो रही हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से वो कितने दिनों तक की रहेंगी। तो भर्ती कौन सी हो रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वाली भर्तियां जो है वो ये वाली भर्तियां हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से, जो अलीगढ़ का नाम सुने होंगे आप, अलीगढ़ में प्यौन भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है 10 नवंबर, इसमें आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर जो है बताई गई है। तो यहाँ पर कौन कौन से जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अशासकीय जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती इसमें चल रही है, ठीक है। बहुतों का ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, बहुतों को नहीं मिला है। अभी जो आपने देखा अलीगढ़ में तीसरी बार भर्ती निकाली गई है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं जो हूँ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 10 नवंबर अभी इसमें डेट चल रही है, 10 नवंबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है और आज अभी ज़्यादा डेट आप 9 है तो 10 तारीख तक, कल तक इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। चौकीदार, चपरासी, सफाई कर्मचारी, सैलरी 11,000 रुपये, घर में नौकरी, अगर आप अलीगढ़ का कोई रहने वाला है अलीगढ़ में नौकरी कर सकता है वो भी, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे हाथरस की, हाथरस जिले में जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती का विज्ञापन आया है, है ना, प्योन भर्ती है और यहाँ पे जो है 10 नवंबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है और 11,000 के आसपास में सैलरी आपको मिलेगी, है ना। तो इसमें जो है मतलब कुछ इसमें DATA मिला के आपका 12,000 रुपये सैलरी बैठेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं चौकीदार, सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हो गया आपका, इसके बाद चपरासी हो गया, चौकीदार हो गया, अलीगढ़ मंडल के अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूल होते हैं वहाँ पर भर्ती के लिए यहाँ पे जो है बोला गया। तो ये अब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, अब बच्चों के कमेंट ये आ रहे हैं कि अलीगढ़ में तो हो चुकी, पहली बार जो आपको चपरासी भर्ती अलीगढ़ से आई थी तो उसमें ज्वाइनिंग लेटर भी लोगों को जो है मिलना स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पर लिखा हुआ अलीगढ़ जिले की जो है चपरासी भर्ती का आज मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक बार भर्ती आ चुकी है और जो है लोगों को जो है ज्वाइनिंग भी दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये, तो यहाँ पर जो है ये कहने का मतलब यह है कि ये भर्ती अगर हो रही है तो तीसरी बार भर्ती क्यों निकाली गई अलीगढ़, आप चपरासी भर्ती में कल मुझे ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हो गया, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो ये इनका कमेंट क्या है, तो इस वाली वीडियो पे इनका जो है कमेंट क्या है, कमेंट ये है इनका मतलब अगर हम लग रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमें हटा दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, 11 महीने की सैलरी मिलेगी संविदा पर जो आउटसोर्सिंग जो भर्ती चल रही है इंटर कॉलेज में, 11 महीने की सैलरी मिलेगी। और आपको पता है इंटर कॉलेज एकदम तो बंद होते इसमें होंगे नहीं, ये सरकारी कॉलेज होते हैं भैया, आपको रिन्यू कर दिया जाएगा, आप ही को रिन्यू किया जाएगा क्योंकि इसमें चपरासियों की जरूरत पड़ती रहती है, काम होता रहता है, चौकीदार आपको सफाई कर्मचारी, तो इसलिए स्कूल तो चलेंगे गवर्नमेंट के ये, ठीक है। तो आपसे अगर आप एक बार लग जाते तो आपको 11 महीने का आपको जो है मिलता है, 11 महीने बाद आपको जो है रिन्यू कर दिया जाता है, जिस तरीके से जूनियर हाई स्कूल में जो है अनुदेशक की भर्ती हुई थी अपने आप कम से कम 2007-08 में हुई थी, इसके बाद डायरेक्ट वो अभी तक जो है 2023 तक लगे हुए हैं, ऐसे शिक्षा मित्र जो प्राइमरी में आए थे एक बार लगाए गए थे अभी तक चल रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या, बाद में अगर सरकार चाहेगी तो आपको जो परमानेंट भी कर सकती है। और यहाँ पर भी लड़के जो लगातार कमेंट करते रहते हैं कि हमको ज्वाइनिंग, और देखो ऐसी बात नहीं है, लड़के कमेंट भी करते हैं, सर आपका वीडियो देख के जो है मेरी जॉब कॉन्ट्रैक्ट प्योन में लग गई है, ज्वाइनिंग लेटर जो 12 नवंबर को मिलेगा आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो है इसमें ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है आपको 12 नवंबर, आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो भी पुनः एक बार कह रहा हूँ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस, थैंक यू वेरी मच।